डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। खबरों में लंपी प्रोवैक वैक्सीन। भारत की स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंपी प्रोवैक पशुओं को गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज संक्षिप्त में LSD से बचाने के लिए एक टीका है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया था। लंपी प्रोवैक को नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से विकसित किया गया है। अब बात करें LSD यानी लंपी स्किन डिजीज की, तो ये मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक वायरल रोग है। ये लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है। यह अक्सर एपिजोटिक रूप में होता है। इस रोग में त्वचा में गांठें हो जाती हैं और अक्सर जानवर के पूरे शरीर को कवर कर लेती हैं। ये OIE की उल्लेखनीय बीमारियों की सूची में भी शामिल है। ये कई बार जानवरों में मौत का कारण बन जाता है। हालांकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। ये बीमारी जुलाई 2019 में बांग्लादेश, चीन और भारत में शुरू हुई थी। इस बीमारी के भारत में आने के बाद से ही अनुसंधान संस्थान वैक्सीन विकसित करने में लगे हुए थे। 2020 में ये बीमारी फिर चीन और भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ नेपाल और भूटान में भी फैल गई।